परेशान होकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। वह रायसेन से 30 किलोमीटर दूर बरबटपुर से आई हुई है। इनकी समस्या ये है कि पिछले दो महीने से इन्हें पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। इनका कहना यह है कि इनके गांव में एक ही डीपी है, जिस पर अतिरिक्त भार पड़ने के कारण डीपी बार बार फाल्ट हो जाती है। इन्होंने जेई को आवेदन दिया, उन्होंने नहीं सुनी। इनके सरपंच भी हमारे साथ आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने कई आवेदन दिए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज ये लोग आए हैं जिला कलेक्टर अरविंद दुबे के पास। कलेक्टर साहब ने इनकी व्यथा को सुना और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके यहाँ दूसरी डीपी रखवा देंगे। अब देखना यह है कि एक हफ्ते के बाद इन लोगों की समस्या हल होती है नहीं होती। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन राय सिंह। कौन से गांव से आई हो आप? ग्राम बरबटपुर से। क्या परेशानी है सर? हमारे लिए बिजली की परेशानी है कि हमारे मोहल्ला में डीपी होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? हमारे मोहल्ला में कम से कम 50 घर हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। हमारी हाथ जोड़े की विनती ये है कि हमारे मोहल्ला में डीपी चाहिए, जब हमारी समस्या का समाधान होगा। बस डीपी चाहिए हमारे लिए, तो हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि सांप गेड़ुआ से बच जाएंगे, मच्छरों से बच जाएंगे, और मोटर चल जाएगी तो पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। रायसेन से कितनी दूर है बरबटपुर? कम से कम 30 किलोमीटर से ज्यादा ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू। कहाँ के सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत बरबटपुर। आपके गांव के लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? ये सबसे ज्यादा हमारा जो गांव है बरबटपुर, सबसे ज्यादा बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या कम से कम 1.5-2 महीने से बिजली की समस्या है, भी जो बराबर कम से कम 1.5-2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए हैं समस्या, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम साहब के पास भी गए, आवेदन बना के भी दिया, ये बायून भी गए, वहाँ के बहुत सारे लोग भी गए साहब के पास, लेकिन कौन साहब? जेई बिजली ऑफिस वाले जो साहब हैं जी, अगर वो ट्रांसफार्मर की समस्या सोल्व हो जाती तो आने की दिक्कत नहीं पड़ती। अब वो एक ट्रांसफार्मर है, गांव बड़ा है, उसमें कनेक्शन ज़्यादा है, ओवरलोड हो रहा है, वो लोड नहीं ले पा रहा है। पीएचई वाली जो मोटर है उससे सप्लाई हो रहा था गाँव के, नल जल योजना चल रही थी, वो भी बंद पड़ी है 1.5-2 महीने से। तो अब वो हेडपम्पों से पी रहे हैं, ट्रांसफार्मर क्या है 1.5 फीस निकाल रहा है, किसी नहीं निकाल पा रहा है। अच्छा, यहाँ किससे मिलने आए थे आप? ये कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक हफ्ते में हम करवा देंगे। डीपी चाहिए, वो स्कूल में पानी नहीं है, और रात रात पानी भरा, लड़ाई हो रही है, और हमें स्कूल का डीपी चाहिए बस। सब दिन पानी भरा, 24 घंटे चल रहा होगा, हम इतने परेशान है, और हमें नई डीपी चाहिए, बहुत परेशान है। एक बार मत क्या होगा वहाँ से, हमें परेशान बहुत हो रहा है, साथ न करो हमारे। 2 महीने से परेशान है, मेहनत करने जा तो पानी भरे वहाँ, सब दिन बैठ के बाल बच्चे ने मेहनत कर पढ़ा उन्हें के कछु खवा है, पानी के चक्कर में हम कहीं नहीं जा रहे, लाइट नहीं कर पा रहे। एक हेडपम्प है। क्या परेशानी है? लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी की परेशानी, बिजली की परेशानी, मोड़ा मोड़ी पड़ नहीं पा रहा है, रात भर पानी भर रहा है, मेहनत मजदूरी करे के पानी भरे, स्कूल में तक पानी नहीं है, बच्चे में स्कूल में खाना खा रहे, घर पानी पी भी आ रहा है, स्कूल में भी नहीं है। और क्या कर? कौन से गांव का मामला है?